ओके सबसे पहले आप लोग ये बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम सिर्फ रील्स और पोस्ट देखने के लिए ही यूज करते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए यूज करते हैं। खैर जो भी हो, सभी के लिए लेकर आया हूँ 10 कमाल के इंस्टाग्राम हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, जो नॉर्मल यूजर के काम में भी आएंगी और अगर आप रील्स बनाते हो तो रील वायरल करने के भी काम आएंगी। हाँ, इसी बात पर लाइक कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, प्यारा सा कमेंट करना शुरू के आधे घंटे के अंदर अंदर सबको रिप्लाई मिलेगा। और मेरा नाम इमरान है। पहला नए अपडेट से शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम पर एक नया अपडेट आया होगा, शायद आपने नोटिस भी किया होगा। जब भी आप किसी रील या किसी पोस्ट को शेयर करते हो ना, शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके, यहाँ पर आपको आपके फ्रेंड्स सर्कल में दिखाई देते हैं कुछ इस तरह के, जो कि पहले ऐसा नहीं था। अब अपने दोस्तों को कोई भी रील या कोई पोस्ट शेयर करना थोड़ा आसान हो गया अगर आप इंस्टाग्राम पर ही शेयर करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप स्टोरी लगाते हो तो आज के बाद कुछ ऐसी भी स्टोरी ट्राई करना जो काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग भी है। लोग आपसे पूछेंगे, भाई ये कैसे किया तूने? फिर आपको बताना नहीं है, इस वीडियो का सीधा लिंक शेयर कर देना उस बंदे को। सिंपली आपको इंस्टाग्राम ओपन करना और प्लस के आइकन पर क्लिक करके स्टोरी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो फोटो या वीडियो लगाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला फोटो यहाँ पर लगाता हूँ, ओके। इसके बाद स्टिकर के आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और म्यूजिक यहाँ पर सर्च करेंगे। म्यूजिक यहाँ पर आप कोई सा भी सॉन्ग लगा लेना, जैसे कि ये वाला लगा लेते हैं। ऊपर आप देखेंगे ना, आपको अवतार का आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने अवतार क्रिएट नहीं किया है तो आपको पहले अवतार क्रिएट करना होगा, और अगर आपने अवतार क्रिएट कर लिया है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आपको अवतार पर क्लिक करने के बाद डन पर क्लिक कर देना है। और आप देखेंगे आपका अवतार नाश्ता गाता यहाँ पर आ जाएगा, आप उसको रिसाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है, ये लो, लग रहा है ना कमाल का। अब आपकी जितनी अच्छी क्रिएटिविटी, जितना ज्यादा टाइम दोगे उतनी अच्छी स्टोरी आप बना सकते हो अपने अवतार के साथ। अगर आप अपने इंस्टाग्राम का पूरा डेटा, सभी फोटोज, वीडियोस, स्टोरी, अब तक आपने जो भी कुछ पोस्ट किया है वो सब कुछ एक ही क्लिक में ट्रांसफर करना चाहते हो अपने फोन में या अपने ईमेल पर, तो आप कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करना है और प्रोफाइल में जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा योर एक्टिविटी, योर एक्टिविटी पर क्लिक करना और स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे ट्रांसफर योर इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करना, नेक्स्ट पर क्लिक करना और ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल ऑफ योर स्टोरीज एंड पोस्ट, ये सिलेक्ट रहने देना, नेक्स्ट पर क्लिक करना। अब यहाँ पर मेथड चूज कर लेना कि आप कहाँ पर ट्रांसफर करना चाहते हो, गूगल फोटोज में, ड्रॉपबॉक्स या जो भी आपका क्लाउड है, गूगल फोटो को सिलेक्ट कर लेना और कनेक्ट कर देना और अपना ईमेल चूज करना, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना और पूरा इंस्टाग्राम का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा आपके गूगल फोटो में यानी के मोबाइल में। अगर आप जानना चाहते हो कि आपने अब तक इंस्टाग्राम पर कितनी पोस्ट को लाइक किया है, कितनी पोस्ट को डिसलाइक किया है, कितनी पोस्ट को कमेंट किया है, टोटल डिसलाइक आपके अकाउंट कितने, टोटल लाइक और टोटल कमेंट कितने हैं, ये सब देख सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं सभी लाइक को हटाना, रिमूव करना, सभी कमेंट को रिमूव करना या किसी पर्टिकुलर लाइक या कमेंट को रिमूव करना, वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए फिर से आपको इंस्टाग्राम अकाउंट की प्रोफाइल में जाना है और योर एक्टिविटी में जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपके लाइक्स, कमेंट, टैग्स, स्टिकर, रिस्पॉन्स, रिव्यूज वगैरह मिल जाते हैं। लाइक पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा भाई आपने कितनी पोस्ट पर लाइक किया है, और आप चाहते हैं किसी पोस्ट को अनलाइक करना तो यहाँ पर उन पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना और बल्क में एक ही क्लिक में उन सभी पोस्ट को अनलाइक कर सकते हो। इसी तरह से कमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि आपने कहाँ का कमेंट किया है, और बल्क में आप कमेंट भी वहां से रिमूव कर सकते हो। अगर आपने इंस्टाग्राम पर अवतार क्रिएट करके रखा है तो आपको पता ही होगा कि आपकी प्रोफाइल में आपका अवतार भी दिखता है और ओरिजिनल डीपी भी दिखती है, फ्लिप करते रहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ये अवतार जो है ना सबको दिखे या सिर्फ उनको दिखे जिनको आपने फॉलो किया है या सिर्फ मुझे दिखे, तो आप ये भी कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए आपको फिर से 3 लाइन में जाना है और सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाना है और स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अवतार इंटरेक्शन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप एवरीवन करना चाहते हैं तो सबको दिखेगा, पीपल यू फॉलो पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ उनको दिखेगा जिनको आप फॉलो करते हैं, ओनली मी पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको ही दिखेगा अवतार प्रोफाइल में फ्लिप करता हुआ। अच्छा, आपको पता ही होगा इंसान इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करता है, आप भी करते होंगे, और इंस्टाग्राम पर भी बहुत कुछ सर्च कर लेते लोग, आप में से भी करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है किसी के हाथ में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लग जाए ना तो वो आपकी प्राइवेसी की धज्जी उड़ा सकता है आपकी सर्च हिस्ट्री देखकर। तो जल्दी से चेक करो आपने क्या क्या सर्च करा है, किन लोगों को सर्च किया है, और फिर उसको हटा भी सकते हो अगर कुछ ऐसा वैसा सर्च किया है। इसके लिए फिर से आपको 3 लाइन में जाना है और योर एक्टिविटी में जाना है।
स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पर आपको मिलेगा रिसेंट सर्च, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर भैया आपको मिल जाएगा आपने क्या क्या सर्च किया है, और कट्टम काटी यहाँ पर बन के आ रहा है साइड में, इस पर क्लिक करना, उसको रिमूव कर देना, या क्लियर ऑल पर क्लिक करके पूरी सर्च हिस्ट्री को ही ठिकाने लगा सकते हो। जब भी आप रील देख देख के अपना टाइम खराब करते हो और किसी बंदे की ज्यादा ही अच्छी रील लग गई तो उसके प्रोफाइल में जाकर और टाइम खराब कर दो। लेकिन क्या आपको पता है किसी की भी रील देखते टाइम उसके प्रोफाइल जाने के लिए आपको क्या करना है? मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। प्रोफाइल आइकन पर क्लिक नहीं करना है, सिंपली स्वाइप लेफ्ट करना है, सीधा उसकी प्रोफाइल पर आकर गिर जाओगे। फिर जो करना है उसके साथ वो करो। क्या आपको पहले से पता था? सच सच कमेंट करके बताना। और हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिसको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है भैया, नोटिफिकेशन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लो। अगर आप इंस्टाग्राम पर रील बनाते हो और आपकी रील पर व्यूज नहीं आते हैं, वायरल ही नहीं होती है, तो कैसे होगी जब आप अच्छे से अपलोड ही नहीं करते हो, ट्रेंडिंग सॉन्ग नहीं लगाते हो। अब ट्रेंडिंग सॉन्ग कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक जुगाड़ है, ठीक है। जब भी आप कोई भी रील देखते हो ना, नीचे आपको जो सॉन्ग दिखता है, यहाँ पर आप देखो एक एरो दिखेगा जो कि टॉप पर जाता हुआ दिखेगा, यानी कि ये साइन है ट्रेंडिंग सॉन्ग का। या आप जब सॉन्ग लगाते हो ना, तो वहां पर जो सॉन्ग की लिस्ट होती है वहां पर भी आपको ये एरो दिखता है, जिस पर एरो ये वाला, इसका मतलब वो ट्रेंडिंग सॉन्ग है। उस पर अपनी वीडियो बनाते हो या वो सॉन्ग अपनी वीडियो पर ऐड करते हो तो आपकी वो रील वायरल होने के ज्यादा चांस हैं। क्या आपको ये सीक्रेट ट्रिक पता थी? कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। वैसे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर तो फॉलो करते ही नहीं हो, क्योंकि मैं आप लोगों को बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो के बीच में ये सब बोलना ना, वीडियो का फ्लो थोड़ा सा खराब हो जाता है। बट आप लोग भी इतने समझदार नहीं हो कि बिना के जाके फॉलो कर ले, वहां पर भी रील्स बनाता हूँ, बहुत सारी चीजें आपको बताता हूँ, जाकर फॉलो करो। एक बार जब आप रील्स देखने बैठ गए ना, तो टाइम कितना किधर गया कुछ पता नहीं चलेगा। जब टाइम देखोगे ना, तब मत्था जमीन पर मारोगे। और ये बात मेटा भी जानता है, यानी कि इंस्टाग्राम के मालिक मार्क जुकरबर्ग, इसलिए ये फीचर यहाँ पर दिया है टाइम लिमिट का। बस इसके लिए आपको क्या करना है, प्रोफाइल में जाना, थ्री लाइन में जाना, योर एक्टिविटी में जाना, और नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा टाइम स्पेंड, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको मिलेगा सेट रिमाइंडर टू टेक ब्रेक और डेली सेट लिमिट। सेट रिमाइंडर टू टेक ब्रेक यानी कि यहाँ पर आपको रिमाइंडर दे देगा कि भैया बहुत देर हो गई इंस्टाग्राम यूज कर करके, थोड़ा सा रुक जा, मजा। उसके बाद नीचे मिलेगी सेट डेली लिमिट टाइम, सेट कर सकते हो कितना चाहिए आपको, 15 मिनट से 2 घंटे तक का है, और डन कर देना। बस जब इतना टाइम आपका पूरा इंस्टाग्राम पर हो जाएगा तो आपको ये रिमाइंडर दे देगा कि भैया बस हो गया। ये बड़े काम की चीज है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, टाइम की खोटी हो जाती, तो इस फीचर को जरूर यूज करना। लास्ट वाली जो ट्रिक है ना भाई इंस्टाग्राम की, ये बहुत लोगों के काम आएगी, क्योंकि बहुत लोग मुझसे एक ही सवाल करते हैं कि इंस्टाग्राम पर किसी की भी स्टोरी विद म्यूजिक कैसे डाउनलोड करें, वो भी बिना किसी ऐप की मदद से। इसके लिए सिंपली उस स्टोरी को देखो जिसको डाउनलोड करना है, यानी कि उस बंदे की स्टोरी पर जाइए और नीचे शेयर वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके नीचे कॉपी लिंक का ऑप्शन होगा, लिंक को कॉपी कर लेना। क्रोम पर जाना है और सर्च करना है आईग्राम, उसके बाद जो टॉप पर वेबसाइट आ रही है आईग्राम, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पर वो लिंक पेस्ट कर देना जो आपने अभी कॉपी किया था, नीचे देखेंगे वो स्टोरी आ जाएगी और डाउनलोड पर क्लिक करना। बस वो स्टोरी विद म्यूजिक डाउनलोड हो गई, मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ये लो, दस पूरी हो गई। अब आप कमेंट करके ये बताना मुझे कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पर रील बनाते हो बट वायरल नहीं हो पाते हो, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ, कैसे इंस्टाग्राम पर अपनी रील्स को वायरल करें, कैसे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स को इंक्रीज करें। उस वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दोगे, और लाइक भी कर दोगे और कमेंट भी कर दोगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर।